आज ना जाने क्या ये बीजेपी वालों ने ऐसा मसला करके रखा है, वार्डों को ऐसा डिवाइड किया गया है, जहाँ पर मुसलमानों के वोट है उनको डिवाइड करके बीजेपी वार्ड में दिया है। हमारे हुबली में एक एमएलए, दो एमएलए होते थे, एक एमपी होते थे, 17 कारपोरेटर मुस्लिम के होते थे, यहाँ का मेयर भी कारपोरेटर मुस्लिम ही होता था। आप लास्ट असेंबली इलेक्शन में देखे होंगे कितने की फेक वोटर का आईडी पकड़े गए और कितने लोगों का नाम नहीं था। मैं हर मुसलमान से मोदी माना गुजारिश करता हूँ, आप अपना सब काम छोड़कर अपना वोटर कार्ड पहला बनाएं और चेक कर ले कि आपका वोटर कार्ड है क्या नहीं। ये हमारे जो नौजवान बच्चे ये गुटखे की आदत से जो पड़ गए, आज वो बच्चे गुटखा पटका ये गांजा ये नशा करना पहला छोड़ दें। पहले आप अपना मोहल्ला, बाद में अपना गांव, अपना स्टेट, अपने देश के बारे में ख्याल है। हम वो मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने खून का खतरा खतरा भर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिराज अहमद कुर्ची वाले, मैं स्टेट माइनॉरिटी कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ। इलेक्शन में लोकसभा इलेक्शन के लिए भी ऐसी कुछ कोशिशें होंगी या मुस्तकबिल में यहाँ पर असेंबली सीट हो या पार्लियामेंट्री सीट हो, मुसलमान किसी कैंडिडेट को यहाँ पर देने की कुछ गुंजाइश है या फिर आइंदा आप कोशिश करने वाले हैं? कोशिश तो जारी है, क्योंकि आज आप जो सवाल पूछ रहे हैं, हमारे हुबली की हालत ऐसी थी, हमारे हुबली में एक एमएलए, दो एमएलए होते थे, एक एमपी होते थे, 17 कारपोरेटर मुस्लिम के होते थे, यहाँ का मेयर भी कारपोरेटर मुस्लिम ही होता था। आज ना जाने क्या ये बीजेपी वालों ने ऐसा मसला करके रखा है, वार्डों को ऐसा डिवाइड किया गया है, जहाँ पर मुसलमानों के वोट है उनको डिवाइड करके बीजेपी वार्ड में दिया है, और बेटे का वोट एक मोहल्ले में रहता है, बाप का वोट एक 10 किलोमीटर के बाद दूर रहता है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो आप लास्ट असेंबली इलेक्शन में देखे होंगे कितने की फेक वोटर का आईडी पकड़े गए और कितने लोगों का नाम नहीं था। और मैं खास करके हमारे लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, वो उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं देते, अपना वोटर कार्ड नहीं बनाते। लास्ट दिन में जब इलेक्शन चलता है, वोट चलता है, आकर बोलते हैं क्या साहब मेरा वोटेज नहीं, तो क्या साहब मेरा वोट वहाँ गया। तो मस्जिदों में ऐलान किया जाता है और पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है। देखिए, आप एमपी इलेक्शन के लिए ऑलरेडी प्रेस स्टेटमेंट आ गया है कि अपने अपने वोटर कार्ड अगर बने हैं तो बना लीजिए, अगर आप मोहल्ला छोड़ के गए हैं तो आपका ट्रांसफ़र करा लीजिए। मैं हर मुसलमान से मोदी माना गुजारिश करता हूँ, आप अपना सब काम छोड़कर अपना वोटर कार्ड पहला बनाएं और चेक कर लें कि आपका वोटर कार्ड है क्या नहीं, क्योंकि आप ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं। आपके बच्चे पढ़े होंगे, माँ बाप नहीं पढ़े, तो अगर आप एक वेबसाइट में जाके चेक करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा आपका वोटर कार्ड है क्या नहीं। हमारे 1000 वोट है तो मेरे ख्याल से वो मोहल्ले में 300 रहते हैं, 700 वोट गप हो जाते हैं। इसलिए मैं हमारे लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये खाना पीना पहनना ओढ़ना बहुत रहता है, ये हमारे जो नौजवान बच्चे ये गुटखे की आदत से जो पड़ गए, आज वो बच्चे गुटखा पटका ये गांजा ये नशा करना पहला छोड़ दें। पहले आप अपना मोहल्ला, बाद में अपना गांव, अपना स्टेट, अपने देश के बारे में ख्याल है। हम वो मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने खून का खतरा खतरा भर है। दूसरे कौम के लोगों का उतना हाथ नहीं है कि मुसलमानों का उतना कौम है। 100 में 70% मुसलमानों का बहुत त्याग बलिदान है, अपने अपनी जान कुर्बान करके इस हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देकर हिंदुस्तान को जाएँ। जिसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हम भी उस हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अपना हक रखते हैं। तो इसलिए मैं हमारे इस नवे जो नौजवान बच्चे हैं ये गुटखे के गांजे के पीछे पड़े हैं, मैं उनसे मुद्दबानी गुजारिश करता हूँ, आप अल्लाह अल्लाह करते अपने घर में अच्छा खाना खाइए, जो करना है काम कीजिए। पहले ये गवर्नमेंट के कायदे कानून आने वाले दिन बहुत नाजुक है, ये एनआरसी आ जाएगा, आप अपने अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने पैदाइशी सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाइए, क्योंकि ऊपर वाले बहुत बेकार गवर्नमेंट है, कब हम पर हमला होगा मालूम नहीं है, ये छुपकर हमला करने वाले में है, ये एमपी इलेक्शन के अंदर ही ये एनआरसी अगर करेंगे। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, अपना वोटर कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना डेट ऑफ बर्थ खास करके बना लिए, क्योंकि नहीं तो आपको वोट लास्ट में आकर मेरा वोट कहाँ आकर बोले, तो मैं भी कुछ नहीं करता, आप भी कुछ नहीं करते। जो भी अगर ऐसा आपको कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे भी रब्ता कायम कीजिए, इंशाल्लाह अज़ीज़ हम लोग भी आपकी मदद करेंगे, हम सब एक ही उद्यान में जलने वाले हैं। मैं खास करके हमारे लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, वो शेख वो सुन्नी वो देवबंदी वो तबलीग वो करके छोड़ दीजिए, वो अपने घर के ढेलीज के अंदर रखिए। बाहर जब आते हैं अगर हम एक बनकर दिखाएंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं, इंशाअल्लाह हमारी सबकी तकदीर खुल जाएगी, और हम और एस सी एस टी अगर एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिन हमारे ही होंगे।
तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ हमारे में जो तबके बटे हैं ये हमारे घर में के अंदर रखिए, घर के बाहर हम सब एक है, एक कलमा पढ़ने वाले हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं, हम सब मुसलमान हैं, तो आने वाले दिन हम तमाम लोगों को बहुत ही अच्छे होंगे।